एक प्रोफेसर का लड़का अपनी माँ से घर से ये कहकर निकला था कि मैं 1-1.5 साल मुंबई में अगर काम नहीं ढूंढ पाया तो मैं वापस आकर अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। और आज इस बंदे को बॉलीवुड के टॉप विलन्स में जाना जाता है। और आज इस बंदे की नेटवर्थ है 130 करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के रियल हीरो सोनू सूद की। दोस्त याद रखना, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। और ऐसा ही सोनू सूद के साथ हुआ। वो मुंबई में अपनी एक्टिंग का सपना लेके जगह जगह हर ऑफिस में अपनी फोटो दिखाया करते थे। औरों की तरह भी इस बंदे को कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और रिजेक्शन सहते सहते सोनू सूद का 1-1.5 साल यूं ही निकल गया। सोनू सूद को लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोनू सूद को लगा कि कोई तो होगा जो मेरी एक्टिंग को पहचानेगा। और तभी तमिल के कोऑर्डिनेटर ने सोनू को बुलाया। सोनू सूद तुरंत ट्रेन पकड़ के चेन्नई के लिए निकल गए, और सोनू सूद ने अपनी पहली तमिल फिल्म शुरू की। उसके बाद सोनू सूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, लेकिन सोनू सूद की इच्छा थी कि वो हिंदी फिल्म में एक्टिंग करें। और तभी सोनू सूद को किसी हिंदी फिल्म डायरेक्टर ने उनका काम देखकर उन्हें बुलाया और अपनी फिल्म के लिए साइन किया। फिल्म का नाम है भगत सिंह। अब जब ये बंदा अपने घर से निकला था तो इसे ये भी नहीं पता था कि मुंबई कितना दूर है। और एक टाइम पे जब ये बंदा हर ऑफिस में अपनी फोटो दिखाते हुए घूम रहा था, और आज ये टाइम है कि सोनू सूद जैकी चैन जैसे इंटरनेशनल स्टार के साथ काम कर चुके हैं। अपने सपनों को पाने के लिए जिद्दी और पागल बनना पड़ता है, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, कुछ मत करो और बहाने बना लो, या अपने सपनों को पाने के लिए पूरा दम लगा दो और जिंदगी बना लो। चॉइसेस।